हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सब लोग ग्रेजुएशन का वन शॉट रिवीजन के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। बहुत आप लोगों का कहना था सर ग्रेजुएशन एक बार रिवाइज करवा दीजिए, तो मैंने ए वन शॉट रिवीजन लेकर के आया हूं। थोड़ा लंबा हो सकता है क्लासेस, लेकिन कोई नहीं, एक वन शॉट में अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो एक मायने रखता है। क्या सही बात है ना? हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके अगर सीधे टॉपिक्स पर आ जाए तो आज का अपन का टॉपिक्स है ग्रेविटेशन। क्या सही बात है ना? आज का अपन का टॉपिक्स है ग्रेविटेशन। क्या है बेटा ग्रेविटेशन में क्या पढ़ना आप लोगों? क्या है ग्रेविटेशन? तो सबसे पहले तुमको हम यहां पर यह बता रहे हैं कि ग्रेविटेशन आखिर क्या है। तो लिखे कि एक मिनट बेटा, पेन थोड़ा सा ले लिया जाए क्या? इट इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। न्यूटन्स आर्ग्यू दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। न्यूटन साहब का एक बहुत ही अच्छा एक चीज आया कि संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। हम क्लास में मजाक भी किए थे कि अभी मनुआ को लग रहा होगा अरे सुनुआ तू हमारे बगल में काहे बैठ गया रे। सही बात है ना? क्योंकि अगर एक बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है, तो न्यूटन साहब के मुताबिक ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ब्रह्मांड का कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। अगर यहां पर बाय द वे सन है, अगर पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व इसी बेस पर टिका हुआ है, यहां पर मून है, तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड का जो रहना होता है सब कुछ लटक रहा है बेटा, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तो हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है, इसीलिए सब अपने जगह पर केवल वहां पर घूम रहा है। ऐसा न्यूटन साहब का कहना है कि ब्रह्मांड का हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में लगने वाले दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले इसी बल को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड के कोई भी दो कण के बीच में लगने वाले वस्तु को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी बेटा, ग्रेविटी बोलो क्या है? ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में एक बॉडी को अर्थ होना चाहिए। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। पृथ्वी, ये मान ले पृथ्वी है और ये पृथ्वी पर, या तो पृथ्वी पर का बॉडी है या पृथ्वी के नजदीक का बॉडी है, ध्यान देना दोनों। जैसे हम लोग तो धरती पर ही रहते हैं, तो धरती पर हम अर्थ क्या होगी? मेरे ऊपर तो अट्रैक्शन लगाएगी ना, तो ग्रेविटी हो गया। या तो पृथ्वी के कोई नजदीक हो गया, जैसे हम लोग तो ठीक सरफेस पर ही हो ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सरफेस से ऊपर है, लेकिन अर्थ ग्रेविटेशन के भीतर। मान लो कि ये इतना बड़ा अर्थ है और ये उसका अर्थ ग्रेविटेशन है, तो कोई अगर बॉडी यहां पर है तो उसको भी धरती अपने ओर खींचेगी। तो अर्थ चूंकि खींच रही है तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी, गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब होता है कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु पर बल लगा रही है तो फिर वो हो गया गुरुत्व। ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड गुड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम इंटर एटॉमिक और इनर प्लानिटरी बॉडी। तो एक बात ग्रेविटेशन के लिए भी सोचने का जरूरत है कि जो ग्रेविटेशन होता है वो या तो प्लानिटरी डिस्टेंस में भी बहुत बड़ा रेंज है इसका बेटा, ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा रेंज है। जैसे प्लानिटरी बॉडीज, प्लानिटरी डिस्टेंस क्या हो गया कि जैसे मान लो दो स्टार के बीच में लगने वाला ये जो फोर्स हो गया, ये प्लानिटरी, स्टार काफी डिस्टेंस पर होते हैं बेटा, दो स्टार के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में होता है, इतने इतने डिस्टेंस पर होते हैं। और एटॉमिक, अगर दो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में भी लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन, इसका जो रेंज होता है बहुत वाइड होता है, मतलब छोटे से छोटे आर्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स से लेकर के बड़े से बड़े, मतलब बड़े से बड़े बोले तो प्लानेटरी डिस्टेंस, मतलब खगोलीय दूरी तक का। चलो खैर, वो एक सिंपल चीज है, कोई बड़ा बात नहीं। अब आते हैं हम लोग मेन बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बताए न्यूटन साहब? न्यूटन साहब बताए कि अगर यहां पर एक कोई बॉडी है, यहां पर कोई दूसरा बॉडी है, मान लेते इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसके बीच में लगने वाला फोर्स बाय द वे F है, और इनके बीच का दूरी अगर R है। देखो यहां बताएं कि कोई मास M1 है, कोई मास M2 है,
इनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो न्यूटन साहब का है कि एफ प्रोपोर्शनल एम वन एम टू और एफ प्रोपोर्शनल वन बाई आर स्क्वायर। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला ये जो आकर्षण बल है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब वन बाई क्या बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। अगर दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो ए प्रोपोर्शनल एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, हर प्रोपोर्शनल कॉस्ट में टूटता है, यहां बेटा जी कैपिटल जी में टूटेगा, मतलब ए इज इक्वल टू जी इन टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जहां जी कॉन्स्टेंट है और इस कॉन्स्टेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट या यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ए जो कैपिटल जी है इस जी को या तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं या तो इसी को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब अब यहां से अगर तुमको जी का मान निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, अभी तुम क्या फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला पढ़े ए पी इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तुमको अगर जी निकालना है तो आर स्क्वायर को ऊपर लेकर के चले जाओ, क्या करोगे क्या करोगे तो आर स्क्वायर को ऊपर लेकर के चले जाओ तो तुम्हारा हो जाएगा एफ इन टू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू, है ना बस। अब यहां से अगर तुमको जी का डिफिनेशन चाहिए तो अगर बाई दे आर को भी तुम यहां डी कह सकते हो चाहे आर कह सकते हो, अगर इसको वन मान लो एम वन और एम टू दोनों को वन मान लो तो जी और एफ दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जी क्या है फोर्स है, जी क्या है फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है कि अगर दो बॉडी हो और दोनों यूनिट मास का हो, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, दोनों बॉडी के मास कितना हो, इसका भी मास वन हो इसका भी मास वन हो और इनके बीच का डिस्टेंस भी अगर वन हो, इस समय इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे जी कहेंगे। क्या बोले बच्चा समझ में आ रहा है, फिर से एक बार सुन लो, हमने बोला कि अगर यहां पर का जो बॉडी है इसका भी मास वन है, यहां पर का बॉडी है इसका भी मास वन है और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी अगर आर इसका भी मान अगर वन है तो फिर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी। ये देखो ये जी बोलते हैं, जी क्या है जी एफ, अभी देखो यही लिखा हुआ है द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास, टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच। बोले ना अभी कि दोनों वस्तु का मास कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए और इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, ओ ए पार्ट यूनिट डिस्टेंस। अगर वो दोनों यूनिट डिस्टेंस के पर हो तो फिर इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं जी बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, मतलब है कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है फोर्स है। अब अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंस, हमारे यहां का टेस्ट में भी आने का बहुत चांसेस रहेगा बच्चा, ये बताइए जी का डायमेंशन क्या होता है तो जी का क्या फॉर्मूला भी आप पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े बेटा तो जी में पढ़े आप एफ इन टू डी स्क्वायर बाई एम वन एम टू, यही पढ़े ना जी का जो भी आप डिफिनेशन पढ़ रहे थे यही पढ़े ना, क्या पढ़े जी इज इक्वल टू क्या पढ़े आप बोले कि एफ इन टू डी, तो एफ का क्या होता है बताइए जल्दी से निकाल कर देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे, क्योंकि ये तो हम देंगे एम एल टी माइनस टू, डी स्क्वायर बोले तो एल टू और एम वन एम टू बोले तो एम एम, एम वन भी एम हो गया एम टू भी एम हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा बन जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। और बच्चे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए यही बात यहां पर लिखा हुआ था, क्या सही बात है ना, हाँ यही बात यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए है ना लिखा हुआ, ये देखिए पक्का समझ में आया, आया समझ में। और बच्चा हम आपसे वैल्यू भी पूछेंगे कि बताइए क्या होता है वैल्यू, जी का वैल्यू क्या होता है तो सीजीएस में लिखिएगा इतना वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ये पावर माइनस यहां पर लिखिएगा माइनस 9, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम्स है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, और उसी प्रकार से इसको भी माइनस 11 को यहां लिख लीजिएगा तो नोट्स में सब आप लोग दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
जी का इंपॉर्टेंस क्या क्या है जी का इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहला बात है कि कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द होल यूनिवर्स, ये जो जी होता है, ये देखो दो जी होता है, कहीं कंफ्यूज मत कर जाना, इस जी के बारे में तो हम कुछ बताए ही नहीं है, अभी जो भी बातें चल रही है इस जी के बारे में बोल रही है, इसका नाम अलग हो गया, इसका नाम हो गया यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, और ए इसी के बारे में भी बोले कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे होल यूनिवर्स में, ये होल यूनिवर्स में ए कॉन्स्टेंट होता है। दूसरा बात, जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द, ए डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज, ए नेचर और साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी का नेचर कैसा है, बॉडी का साइज कैसा है, इसको लगना है तो लगना है। इट डज नॉट डिपेंड इवन अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडी, माध्यम कहां रख, किस मीडिया में बॉडी है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, और हेनरी कैनविस ने, एक कैनविस ने इसके बारे में बताया था। बच्चे एकदम फटाफट निकलते जाइएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मास ऑफ अर्थ, धरती माता कितने किलो की है, ऐसे आपको डिराइव नहीं पढ़ना है बच्चे, आपको डिराइव नहीं पढ़ना है, आपको तो सीधे जानना है कि जो मास ऑफ अर्थ है 6 × 10^24 केजी लगभग है। सॉरी, कोई बच्चे अगर पूरा एक्यूरेट वैल्यू जानना चाहे तो 5.98 × 10^24, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि आखिर ये वैल्यू कहां से आया। तो बच्चे ये धरती माता है, प्रणाम कर लो, हाँ, और इसका मास, अगर टोटल मास हम एम ले लेते हैं, इनका रेडियस है, बाय द वे रेडियस है, इस रेडियस को आर ले लेते हैं, है ना, इस पर यहां पर मान लेते हैं कि रे यहां पर हो, रे तुम, रे मोहनवा यहां पर हो, एम हो तुम यहां पर, है ना, तो और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, तो बोलो कि तुम पर कितना फोर्स लगेगा, धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स लगा लेगी, फॉर्मूला होता है जी एम वन, एम वन बोले तो एम, एम टू, एम टू बोले तो स्मॉल एम, और बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो आर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन वन। और बोलो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, दोनों को बराबर करो तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, फिर से सुनो, एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो जी एम बाई आर स्क्वायर होगा ना, समझ में आया, आ गया, पक्का आ गया। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज बच्चा हो रे, तुम तो बहुत तेज बच्चा हो, पूरा एकदम व्यस्त असर किए जा रहे हो। बोलो यहां पर क्या है, तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया एम जी एम एम, कट गया, लड़का तो बहुत तेज है, होनहार है, हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर, यहीं से एम का मान निकालो तो एम बराबर हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाई जी, अब सबका वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, आर का मान 6400 किलोमीटर, ध्यान देना 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 × 10^6 मीटर, 6.4 × 10^6 मीटर, कैपिटल जी का मान अभी बताए हैं 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये सारे के सारे वैल्यू को अगर यहां पर पुट कर दिया जाए और पुट करके सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा 5.98 × 10^24 केजी, राउंड फिगर में इसी बात कह सकते हो 6 × 10^24 केजी। अगर भाई देखो तुमसे डेंसिटी पूछा जाए कि बताइए अर्थ का डेंसिटी क्या है, ये जो धरती है इस धरती का डेंसिटी बताइए कि डेंसिटी क्या होगा अर्थ का डेंसिटी, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, इक्वेशन वन ध्यान दो, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर अभी अभी पढ़े हैं, साथ ही हम ये भी जानते हैं कि मास इज इक्वल टू द्रव्यमान बराबर वॉल्यूम गुने घनत्व, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अब बोलो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो अर्थ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो पृथ्वी को गोला माना गया है, पृथ्वी को गोला माना गया है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, डेंसिटी को तुम रो मान लो, रो ले लो। अब इस मास को तुम क्या करो कि वो जो इक्वेशन वन है यहां पर पुट कर दो, यहां पर इस जगह पर, इस जगह पर पुट कर दो, इस एम के जगह पर पुट कर दो, तो एम के जगह पर पुट करोगे तो जी तो रहेगा ही रहेगा बाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और मास के बदले कितना पुट करोगे, तो मास के बदले 4/3 πr³ रो पुट करोगे। देखो 2 गो आर कट जा रहा है, यहां 3 गो आर है ना, देखो पूरा वर्ग देखते जाना, हाँ कर्सर पर पूरा ध्यान देना, और जहां जहां पेन चल रहा है उस पर ध्यान देना, तो आर स्क्वायर से आर क्यू कटा, तो 3 यहां पर है, 2 को कट गया,
मतलब अब तुम्हारे पास ऊपर में बच रहा है जी, बच रहा है फोर, बच रहा है पाई, बच रहा है आर, बच रहा है रो, बच रहा है और थ्री बच रहा है, यही बच रहा है ना। क्या थी बराबर, जी बराबर। तुमको किसका मान चाहिए, डेंसिटी का चाहिए, तो यही तो डेंसिटी है। तो जब तुम डेंसिटी का मान निकालोगे तो थ्री ऊपर चला जाएगा, थ्री कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और बाकी सब के सब नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस कोने में तुम थोड़ा ध्यान देना कि अगर तुम रो निकालोगे तो थ्री ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा थ्री जी, और नीचे में कौन कौन आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा जी आ जाएगा, फोर आ जाएगा, पाई आ जाएगा और आर आ जाएगा। अब सबका वैल्यू तुम जानते हो, पुट करो, थ्री का वैल्यू तो जानते हो ना, जानते हो? यस सर, बड़ा तेज है यार, कमाल, थ्री का वैल्यू जानते। ऐसे हमको बता दो बेटा थ्री का वैल्यू क्या होता है, बता दो बता दो। हाँ थ्री का वैल्यू थ्री होता है। अच्छा तो हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि थ्री का वैल्यू क्या होता है। जी का वैल्यू जानते हो ना 9.8, कैपिटल जी का वैल्यू जानते हो ना, फोर भी जान रहे हो, पाई भी जान रहे हो, आर भी 6400 किलोमीटर बताए हैं 6.4 इंटू, सारे वैल्यू को रख करके और सोल्व मत करने लगना, ये सब वैल्यू सोल्व करने में फालतू बहुत टाइम जाता है। सीधे याद रखना कि 5478.4 केजी पर मीटर क्यू, और एग्जाम में आने का चांसेस रहेगा कि बताओ अर्थ का डेंसिटी क्या होता है। अब आते हैं हम लोग केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ क्या है, केपलर का नियम। तो ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सबसे पहला बात है कि यहां देखो ये सूर्य भगवान है, चमक रहे हैं, क्या मस्त चमक रहे हैं, जय हो प्रभु, ये हो गए सन, और बाकी ये सब जितने भी ग्रह हो गए, ये वेनस हो गया, यही धरती माता हमारी है, यहीं पर हम लोग हो, यहीं पर तुम्हारा घरवा है और यहीं पर तुम्हारा, समझ रहे हो ना, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सेंचुरियन है, यूरेनस है। अब जितने भी ग्रह हैं वो कहां चक्कर काट रहे हैं, ये देखो इसका पाथ कैसा है, गोल नहीं है, ऐसा है। इसी तरह से अर्थ का पाथ कैसा है, ये देखो गोल नहीं है, ये ऐसा है। इस पाथ को हम लोग इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। केपलर ने अपने पहले नियम में यही बात बताया। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं, सबसे पहला बात उन्होंने ये बताया कि सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। पहला बात तो ये सुन लो, जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य भगवान है, जितने भी ग्रह हैं वो ऐसे ऐसे पथ पर चक्कर काटते हैं, और इसी पथ को हम क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पथ कहते हैं। कोई ग्रह, या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दूसरा उन्होंने बात बताया कि इसका जो रियल वेलोसिटी होता है कॉन्स्टेंट होता है, रियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है। इसका मतलब dA by dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है। अब अच्छा से तुम समझो, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो बताओ कल का दिन रात कितना देर का था, कितना देर का था, तुम बताओ सोनू कितना देर का था, कितना देर का था, 24 घंटे का था। अच्छा अच्छा आज कितना देर का है, 24 घंटे का है। अच्छा कल कितना देर का होगा, 24 घंटे का। अच्छा आज के 3 साल पहले कितना देर का था, 24 घंटे का ही था। तो भैया ये जो समय में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनका वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स रियल वेलोसिटी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। रियल वेलोसिटी का मतलब हो गया कि यूनिक टाइम में उनको जितना एरिया तय करना है करना है, किनको, धरती माता को। ये देखिए सूर्य भगवान है, इसके चारों ओर धरती माता चक्कर काट रही है। मान लेते हैं हम ग्रह, कोई भी, सारे ग्रह में यही बात होता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन हम अपना अर्थ पर बात करते हैं तो अर्थ को मायने भी, अर्थ यहां पर है और यूनिट टाइम में अर्थ यहां पर आ गया, तो यूनिट टाइम में इतना ही एरिया ट्रेवल किया ना, यही एरिया ट्रेवल किया ना, तो ये एरिया हर यूनिट टाइम में उतना ही एरिया ट्रेवल करेगा, हर यूनिट टाइम इतना ही। कहने का मतलब हो गया, इसी को रियल वेलोसिटी कहते हैं कि dA by dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया केपलर का दूसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम है कि जैसे मान लो कि ये सूर्य भगवान है, इसके चारों ओर ग्रह को चक्कर काटना है, तो इसमें जो लगा हुआ टाइम है, मान लेते ग्रह चक्कर काटेगा तो टाइम लगेगा ना रे, सूर्य के चारों ओर जब ग्रह को चक्कर काटता है तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, और ये सूर्य से दूरी ले लो आर। अब मीन डिस्टेंस, एक वर्ड तुमको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा, मीन डिस्टेंस। मीन इसलिए पढ़ने के लिए मिलेगा कि अभी तुम बात कर रहे थे कि सूर्य भगवान अगर यहां पर है तो इनके चारों ओर का ऑर्बिट ऐसा होगा घूमने वाले का, तो ऑर्बिट जब ऐसा होगा तो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं नहीं, ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है क्या, तो ऐसा हम क्या करेंगे कि 50 जगह या 100 जगह हम ऐसा ऐसा दूरी निकाल लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे, उसी को मीन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो R क्या हो गया, मीन डिस्टेंस हो गया, R क्या हो गया, मीन डिस्टेंस हो गया, औसत दूरी हो गया, और T क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड बोले तो इसमें चक्कर काटने में लगा हुआ समय,
तो रूल दिया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, एकदम यहीं पर केवल फोकस करो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, और हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। चलिए बहुत अच्छा, अब आइए ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड? तो ए देखिए, ए ए अपन का धरती माता है, प्रणाम कर लीजिए फिर से एक बार, भैया तुम ही सब चीज हो, हम लोग को सुरक्षित रखना, पूरा दुनिया को सुरक्षित रखना, जोशी मठ को भी सुरक्षित रखना, वहां के लोगों के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है, भगवान सबको सही रखना, ये धरती माता हो गई। अब ये धरती माता का प्रभाव कहां तक है, मान लो यहां तक है, इसके आगे भी है, यहां तक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जहां के बाद इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और इधर वाले को हम लोग क्या फिर कहते हैं, इधर वाले को कहते हैं स्पेस, कि फिर तो स्पेस में चला जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां तक का फील्ड क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा, मतलब अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर में कोई ना कोई ऐसा इफेक्टेड एरिया होगा जहां तक अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो वापस धरती की ओर आ जाएगी। तो ये जो फील्ड, सॉरी ये जो फील्ड होगा, ये पूरा फील्ड क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। बच्चा उम्मीद तरह समझ में आ रहा है। अब आओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो यूनिट मास पर लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर, ये जो मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो भी कैलकुलेशन होगा इसके भीतर होगा, तो यूनिट मास के बॉडी पर जो लगने वाला अर्थ यूनिट मास के बॉडी पर जो फोर्स लगाएगा, इसी को हम उसका इंटेंसिटी कहेंगे। यूनिट मास, मान लो कि एम मास के बॉडी पर, मान लो कि एम मास के बॉडी पर फोर्स लगा रहा है एफ, तो यूनिट मास के बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगा, एफ बाई एम, इसी को हम इंटेंसिटी कहेंगे। बोले तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, तो फिर बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का बोले तो न्यूटन, मास का बोले तो केजी, सीजीएस क्या हो जाएगा, न्यूटन का बोले तो डाइन, ड्यून लिखा गया डी वाई एन डाइन, और केजी का होता है ग्राम, और इसका तो फिर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन जल्दी से बता दो, तो बोले सर बता देते हैं ना, एम एल टी माइनस टू, और m m m कट गया सर, एल टी माइनस टू, ठीक है ना। अब अगर बाय द वे इसका मतलब हो गया कि एक बॉडी कितना है, मान लेते कि एक बॉडी तो ठीक है m है, लेकिन एक बॉडी कितना है, वन है, बोले ना भी तुमकी यूनिट मास के कारण, तो इसका मतलब है कि एक बॉडी पर मास वन है, और बाय द वे इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो बोले लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, लगने वाला फोर्स हो जाएगा जी एम वन एम टू, अरे एम टू एम है ना, समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है, और बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, समझ में आया है ना, फोर्स इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और इसी फोर्स को हम इंटेंसिटी कहते हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर, सब बस बेटा। अब आ जाओ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसमें होने वाले वेरिएशन, गुरुत्वीय त्वरण क्या है और उसमें होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं, मतलब कहां कहां उसमें परिवर्तन होता है। ये अर्थ है तो सबसे पहले हमको बताओ कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो मान लेते हैं कि अर्थ का मास एम है, अर्थ पर का कोई बॉडी का मास स्मॉल एम है, चलो अर्थ वाला इसको यहां से हटाओ, अरे इरेजर भैया आ जाओ ना, हाँ यस, तो हम बोले कि इसका मास m ले लेना, चलो हम लोग फिर बनाते हैं, ये अर्थ है, अर्थ का मास m ले लो, अर्थ पर का बॉडी का मास m ले लो, स्मॉल m ले लो, और ये जो इसका रेडियस है उसको r ले लो। तो अभी हम लोग पढ़े हो ना, अभी अभी जस्ट पढ़े थे कि वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू एम जी, और फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, दोनों को बराबर करेंगे, एम एम काट देंगे, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, अब जी का वैल्यू पुट करो, कितना पुट करोगे, तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, बोलो मास कितना पुट करोगे, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 24, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर, और सबको अरेंज करोगे तो 9.81 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो एक छोटा सा ट्रिक्स है, न्यूमेरिकल बाहर समय काम आ जाएगा, ये ट्रिक्स पर थोड़ा सा देख लेना, ये ट्रिक्स ऐसे हम ऑफलाइन में बहुत मजेदार बताए हैं तुम लोग को,
बहुत मजेदार बताए हैं, और जब हम इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे तो चलो बता ही लेते हैं। अभी पढ़े ना, देखो क्या पढ़े, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी में इसी को हम लोग अगर लिखेंगे तो 4/3 पाई जी रो इन टू आर। तो अगर एम को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए तो जी प्रोपोर्शनल 1/r2, और यही ट्रिक बन जाता है कि डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू -2 डेल्टा r/r। अगर यहां पर चलना जाए, यहां पर क्या हो जाएगा, आर कॉन्स्टेंट किया जाए, अगर आर कॉन्स्टेंट कर जाएगा तो जी प्रोपोर्शनल एम, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम। और अगर रो डेंसिटी को कॉन्स्टेंट कर लिया जाए तब क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेडियस प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर। जो कांस्टेंट हो जाएगा वो तो हट गया जी पर, तो ए तो कांस्टेंट हो गया तो ये हट गया, तो केवल क्या बचा, जी और आर बचा, तो हो गया डेल्टा आर बाई आर। यहां पर भी मास है ऊपर में डायरेक्टली है तो डेल्टा एम बाई एम, लेकिन ए क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर है, तो यही बन जाएगा माइनस स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 डेल्टा r/r। अरे स्क्वायर है ना, 1/r² है ना, तो पावर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर का पावर -2, तो यही -2 मल्टीप्लाई बन जाता है और डेल्टा आर बाई आर। अभी एक आर न्यूमेरिकल संतु को बताते हैं, कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%। कहता है कि अगर पृथ्वी का जो त्रिज्या है 2% श्रिंक कर जाए, 2% अगर श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए, तो फिर बताओ कि कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट, तो बताओ कि कितना परसेंट मास, जो कहते हो रहे अर्थ, मेरी बात समझने का प्रयास करना कि अर्थ का मास जो है सो है, लेकिन अगर बाई जब इसका रेडियस 2% श्रिंक कर जाए तो बताओ कि जी में क्या परिवर्तन होगा। तो अभी फॉर्मूला पढ़े हो ना कि डेल्टा जी बाई क्या, जी प्रोपोर्शनल 1/r², तो हम भी फॉर्मूला पढ़े हैं दोनों को, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 बराबर -2 डेल्टा r/r × 100। अभी ना पढ़े हैं, और डेल्टा आर बाजार का मान कितना दे रहा है, तो 2% दे रहा है, 2% दे रहा है, इसका मतलब है -2 × 2% -4%, माइनस का मतलब हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर अगर इस अर्थ का इस रेडियस को 2% अगर श्रिंक करा दिया जाए तो जो जी का मान है वो कितना डिक्रीज कर जाएगा, तो 4% डिक्रीज कर जाएगा। ये माइनस का साइन किसका सिंबल है, डिक्रीज का सिंबल है, बहुत अच्छा। अब वो न्यूमेरिकल में आने का चांस है टेस्ट में बच्चा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। कहता वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी, कि अगर ग्रेविटी ने किया, मतलब वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जी में क्या परिवर्तन होते हैं। तो बच्चा जी में परिवर्तन का मामला पहले समझ लो, कि अगर ये अर्थ है, ये धरती माता है, तो इस अर्थ से तुम ऊपर अगर जाते हो तब भी जी का मान चेंज करेगा, इतना तो पक्का मानो, हमें यह नहीं पता है कि बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन हम इतना जरूर जान रहे हैं कि चेंज कर जाएगा। उसी प्रकार से अगर बाई देवे इस अर्थ में तुम यहां से नीचे समाओगे तब भी जी का मान तुम्हारा चेंज करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा सो अलग बात है। और तीसरा बात है कि धरती पूरी गोल नहीं है, अगर पूरा गोल नहीं है धरती तो तय बात है कि उसका रेडियस भी सब जगह एक जैसा नहीं होगा, जितना बड़ा रेडियस ये है उतना बड़ा रेडियस ये नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा रेडियस है। तो तय बात है कि अगर ये रेडियस बड़ा है और ये रेडियस छोटा है, और फॉर्मूला होता है कि जी इज इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर, तो ये आर पर डिपेंड करेगा दोस्त, आर पर डिपेंड करेगा, ये आर कुछ है, ये आर कुछ है, तो डिपेंड करेगा। तो फिर हम लोग इसी तरह से वेरिएशन देखेंगे कि जी का मान कहां घटता है कहां बढ़ता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ जी। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड पर चल रहे हैं, एल्टीट्यूड पर, हाइट पर, तो हाइट पर फॉर्मूला होता है, हम सीधे फॉर्मूला बताए तुमको, और एक बार बता रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला वैलिड है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, 10 किलोमीटर ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो फॉर्मूला होता है कि जी एच इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r, ए फॉर्मूला होता है। 10 किलोमीटर तक हाइट तुम ले सकते हो, रेडियस का मान तुम जानते हो, रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है, इसी को तो मीटर में अगर चेंज करते हो तो 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। तो इन सभी वैल्यूज को तुमको यूज करना है। और सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं कि हाइट हम 10 किलोमीटर तक का ही लिए हैं, और जो परसेंट चेंज है वो क्या है, परसेंट चेंज ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर परसेंट चेंज इन लेस इक्वल 5% तक ही चेंज करने का है ये, और या तो फिर एच का मान 500 किलोमीटर तक का ही रहना चाहिए।
अगर तुम बाय द वे 5% से ज्यादा चेंज करना चाहते हो तो फिर यहां पर तुम फॉर्मूला ऐसे लगाओ कि g इंटू 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, और अगर या तो फिर 500% ज्यादा लेना चाहो तो फिर यही फॉर्मूला लगाना। ये ट्रिक्स है, ये सब चीज अगर एग्जाम में तुम याद करके जाते हो तो तुमको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो तुम उम्मीद करे बच्चा समझ में आ रहा है। अब सबसे पहला बात है, तो अभी एक बात तुमको बताना मैंने भूल गया कि आखिर ये जीएच का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो अभी अभी तुम फॉर्मूला पढ़े कि हाइट पर जाने पर फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। अब अगर तुम h का मान बढ़ा रहे हो, h का मान बढ़ाने का मतलब हुआ कि धीरे 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 तुम हाइट पर जा रहे हो, तो जैसे जैसे हाइट पर जाओगे वैसे वैसे gh का मान घटेगा। देखो क्यों घटेगा, तो ये तो g है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, 1 नंबर ही है कांस्टेंट, और ये घटना है। सबसे पहला बात ध्यान देना, घटना है, घटना मतलब माइनस होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। अब हम बोले कि ये वाला जो h है ये ना है 2h बाई आर, हम h को क्या किए हैं यहां पर बॉल बना दिए हैं, तो h का मान जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे gh का मान घटेगा घटेगा। देखो माइनस हो रहा है ना, और ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो तय बात है कि एक टर्म बढ़ने का कारण हुआ कि फिर ए वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, और एक टर्म अगर बड़ा हो जाए उसको बार बार वन में से ही माइनस होना है, तो जितना ज्यादा ये बड़ा होगा और वन में से माइनस होगा तो उतना ही जीएच का मान क्या होगा, घटते जाएगा। तो मामला सीधा सा कथा इतना है बेटा कि जैसे जैसे इस अर्थ से आप ऊपर जाते जाइएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो पहला परिवर्तन हमको समझ में आ गया कि धरती से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है। अब हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि अगर धरती के गहराई में जाएं, इस गहराई का दूसरा नाम होता है, डेप्थ का दूसरा नाम होता है लैटिट्यूड। तो अगर हम गहराई में जाते हैं, मान लेते हैं डी गहराई में जाएं, ए यहां यहां से इंटर करके, यहां से ऐसे इंटर करके हम लोग ये ड्रिल होते होते हम यहां पर आ गए, कितना गहरा आ गए, डी में आ गए, तो फॉर्मूला होता है जी डी का फॉर्मूला होता है, जी डी फॉर डेप्थ का फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जी समझ रहे हो, 1 समझ रहे हो, डी का मतलब डेप्थ हो गया, आर का मतलब रेडियस हो गया, ए हो गया गहराई में जाने पर कि क्या मान होगा। अब अगर एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ जाए कि बाई द वे हम यहां से चलना शुरू किए और घटते 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 बाई द वे अगर हम सेंटर पर चले आए, अर्थ के सेंटर पर चले आए तो क्या होगा, तो अर्थ के सेंटर पर अगर हम चले आएंगे तो फिर डी और आर में कोई अंतर नहीं रहेगा, जितना डी है उतना ही आर हो जाएगा। कहने का मतलब जितना डी है उतना ही आर हो जाएगा, डी डेप्थ है आर रेडियस है, और अगर d और r दोनों बराबर हो गया तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग d के बदले r पुट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहां d के बदले अगर r पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा g इंटू 1 माइनस r बाई आर। अब एक कटा तो 1 हो गया और 1 में से 1 गया तो 0, इसका मतलब 0। तो अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगा तो वहां पर कोई वेट नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू होता है एम जी, और यही अगर 0 हो गया तो वेट वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 वेट का बॉडी होता है क्या, तो फिर अर्थ के सेंटर तक जाना पॉसिबल नहीं है, ड्रिल मशीन नहीं जाएगा वहां पर। अब यहां पर तुमको हम एक सिंपल सा क्वेश्चन रखना है कि परसेंट चेंज इन जी विथ हाइट, तो अगर हाइट पर तुमसे निकालने के लिए कहेगा कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है तो सीधे फॉर्मूला लगाना h बाई 32 और बोलना कि डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर बाई देवे यहां पर हम लिए असली है, हाँ, और डेप्थ में, और डेप्थ में सीधे लगाना जी बाई 64 और डिक्रीज करेगा। जैसे क्वेश्चन देखो कि फाइंड द परसेंट चेंज इन जी एट ए हाइट ऑफ 64 किलोमीटर। क्या मतलब कि मान ले यहां पर ए अर्थ है, अब यहां से ए वाला बॉडी यहां से चला आया और यहां आ गया, कितना ऊंचाई पर आ गया, 64 किलोमीटर आ गया। तो सबसे पहले बताओ कि यहां पर आने के बाद उसके जी के मान में क्या परिवर्तन होंगे। हम लोग एक बात तो पक्का जान रहे हैं कि जब हाइट पर जाता है तो डिक्रीज करता है, इसलिए एक तो हम लोग को समझ में आ गया कि या तो आंसर ए रहा होगा या तो आंसर ए रहा होगा। अब एक बात है कि कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, 2% करेगा या 4% करेगा हाइट पर। तो अभी बच्चा तुमको हम फॉर्मूला बताए हैं कि हाइट पर फॉर्मूला तुम सीधे लगा देना h बाई 32, और तुमको 64 किलोमीटर के हाइट पर पूछ रहा है तो h का मान 64/32, इसका मतलब हो गया कि 2% डिक्रीज करेगा, 2% डिक्रीज करेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज
2% डिक्रीज, है ना बात सही, समझ में आ रहा, पक्का समझ में आ रहा। तो बच्चा बहुत अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पर ध्यान देना। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और तुमसे पूछ दिए कि बताओ डेप्थ में, एक तो हाइट का बताए और एक पूछ रहा है कि डेप्थ में बताओ, अगर 128 किलोमीटर हम गहराई में चले गए तो क्या मतलब कि अगर ये अर्थ है, यहां से हम ड्रिल मशीन करते करते पूरा 6400 किलोमीटर यहां से यहां तक होता है ना, तो मान लें यहां से ड्रिल करते करते यहां तक आए, कितना दूर आ गए हम, 128 किलोमीटर अंदर घुस गए, तब क्या होगा। तो बच्चा हम लोग डेप्थ के लिए तुमको अभी हम फॉर्मूला बताए हैं, देखो 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 डेप्थ के लिए। अरे यार कर्सर यार तुम घबराओगे क्या यार, मत घबराना भैया लोग का क्लास ठीक से चलने देना भाई। आ गया, तो डेप्थ के लिए हम लोग पढ़े क्या पढ़े कि डी बाई, यहां देखते हैं डी बाई 64 होता, तो 128 किलोमीटर आए तो दो बार में कट जाएगा, इसका मतलब है कि डेप्थ में भी अगर हम लोग 128 किलोमीटर आए तो 2%, और डेप्थ में भी जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। अभी बताया ना कि डेप्थ में भी डिक्रीज करता है, ये देखो ये बात बताया था ना कि यहां 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 देखो क्या फॉर्मूला है, अच्छा से समझना बच्चा। तो फॉर्मूला है कि 1 - d / r, तो जैसे जैसे d बढ़ेगा, जैसे जैसे d बढ़ेगा वैसे वैसे जो रिजल्ट है ये GD का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, घटते जाएगा, घटेगा ना, ये सब्ट्रैक्ट होने वाला चीज है, ऊपर में उसमें भी न्यूमिनेटर है ऊपर में है, तो इसके वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो रिजल्ट होगा घटेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या बात पढ़ा, अभी मेजर बात हमने क्या पढ़ा, तो मेजर बात हमने पढ़ा कि अगर अर्थ के हाइट पर भी हम जाएंगे, अगर अर्थ के हाइट पर भी जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और अर्थ में अगर हम घुसेंगे तब भी जी का मान घटेगा। और इस पर हम तुमको न्यूमेरिकल भी बता दिया बच्चा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे आएंगे तो तुमको बड़ा मजा लगेगा। सारे बच्चे अच्छे से क्लास करना, पूरे क्लास को ध्यान देकर के करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। मैं तो ना जाने कितना बार क्लास में बोला हूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी बोल के कोई चीज होता ही नहीं है, वास्तव में वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, जीरो पोटेंशियल एनर्जी जहां होता है उसको रेफरेंस पोजिशन कहते हैं, वहां से किसी पॉइंट तक लाने में, बाय द वे अगर यहां पर रेफरेंस पॉइंट है तो यहां से अगर मास को हम ले आएंगे तो मास को लाने में जो वर्क होगा इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं किसी बॉडी को रेफरेंस पॉइंट से लेकर के किसी पॉइंट तक लाऊंगा, उसको लाने में जो वर्क होगा इसी वर्क को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस यू का वैल्यू आता है -gmm/r। अब जरा फिगर पर ध्यान देना बच्चा, ए देखो, ए हो गया रेडियस, बॉडी मान लो यहां पर है, ए हाइट हो गया h स्मॉल, तो पूरा का पूरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको r कहते हैं, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा r + h, बहुत सिंपली समझा जा सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm/r - gmm/r - gmm/r - gm, याद हो गया इस फॉर्मूला को, और इस r के बदले क्या पुट करोगे, स्मॉल r के बदले क्या पुट करोगे जल्दी से बता दो, तो r + h पुट करोगे। बहुत बच्चा बहुत तेज है, फटाफट समझ रहा है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा -gmm/r + h। अब एक बात बच्चा पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो, नेगेटिव साइन, अच्छा नेगेटिव साइन वहां अट्रैक्टिव फोर्स को बता रहा है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। h का मान अगर बाय द वे जीरो हो गया, h का मान जीरो कब होगा, वो गिरते 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 सरफेस पर आ गया, यहां पर आके गिर गया, गिर करके आ गया, तो जब सरफेस तक पहुंच जाएगा तो एच का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एच का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अभी तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो कि यू इज इक्वल टू -gmm/r + h, इसका मान अगर जीरो हो गया तो यू इज इक्वल टू हो गया -gmm/r, क्या बोले समझ में आया, और यही फॉर्मूला हो गया यू इज इक्वल टू -gmm/r। कहता है कि एज द सेपरेशन बिटवीन
पार्टिकल्स डिक्रीज इट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब जीरो एट इन एंड फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये भी ध्यान रखना बच्चा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। अब आ जाओ स्कैप वेलोसिटी। स्कैप का मतलब भाग जाना, स्कैप का मतलब भाग जाना, पलायन करना, इसका पूरा हिंदी होता है पलायन वेग। पलायन वेग क्या, पलायन वेग क्या, पलायन वेग। तो ये देखो, ये हो गए धरती माता, यहां पर हम लोग हैं, और ये हो गया अर्थ ग्रेविटेशन। अब मान लो यहां से खूब जोर से किसी वस्तु को फेंके, इतना जोर से फेंक दिए कि यहां के बाद अब वो वापस नहीं आवे, बल्कि आहिस्ता सा वो चला जाए, मिनिमम वेलोसिटी के साथ इंटर कर जाए। ये इधर सब क्या है, इधर है स्पेस, स्पेस में इंटर कर जाए। तो जिस मिनिमम वेलोसिटी से ये स्पेस में इंटर करेगा, तो हमको जितना जोर से फेंकना पड़ा उसी को हम बोलते हैं स्कैप वेलोसिटी। वह मिनिमम वेलोसिटी की अर्थ से अगर हम किसी वस्तु को फेंके और फिर वो वापस नहीं आए, बल्कि परमानेंट यहां से चला जाए स्पेस में, तो इस मिनिमम वेलोसिटी को हम स्कैप वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। स्कैप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम बाई आर। पी का मतलब प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब किसी भी ग्रह के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली तुम केवल इतना भी ध्यान रखो, टू जी एम बाई आर। वास्तव में ये फॉर्मूला यही लिखा हुआ है यहां पर, जो तुम्हारा पी लगा हुआ ना, पी फॉर प्लेनेट। जैसे अर्थ का निकालना चाहोगे तो अर्थ का मास लगाना, मून का निकालना चाहोगे तो मून का मान निकालना, अर्थ का निकालना चाहोगे तो अर्थ का रेडियस लगाना, मून का निकालना चाहोगे तो मून का रेडियस निकालना। जैसे हम यहां पर अर्थ का तुमको निकाल के दिखला रहे हैं, तो अर्थ का क्या हो, माइनस जी एम बाई आर। और देखो इस, अगर यहां पर तुम तोड़ दो रूट अंडर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, तो टू रहने दो। अब बोलो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है, ऐसा करो ना, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा क्या करो कि आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तब तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला माइनस जी एम आर बाई आर स्क्वायर। और ये जी एम बाई आर स्क्वायर को हम जी कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं। तो फॉर्मूला बन गया टू जी आर, टू जी आर, ई फॉर अर्थ, ई फॉर अर्थ, अदरवाइज फॉर्मूला है टू जी आर। अब टू बोलो अर्थ का, अर्थ का जी कितना होता है 9.8। बोलो अर्थ का आर कितना होता है, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। और पूरा का पूरा अगर इसको तुम पूरा ब्रेक करोगे तो 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और इसी को किलोमीटर में ब्रेक करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ये बिल्कुल याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव में आने का बहुत चांसेज है कि अर्थ का स्कैप वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, 11.2 किलोमीटर। उसी प्रकार से अगर मून का निकालोगे तो मून का क्या होता है, 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड। स्कैप वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो मास पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है, प्लेनेट का डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जहां से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा। स्कैप वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, तो मास ऑफ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड, जिस मास को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके मास पर वो डिपेंड नहीं करता है। ये मास, ये जो मास हो गया ना, वो अर्थ का मास है, इसलिए कंफ्यूज मत हो, ये अर्थ का मास है। जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास पर डिपेंड नहीं करेगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है कि हम कितना कोण पर फेंक रहे हैं, इस बात पर वो डिपेंड नहीं करेगा। अब बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, क्या है गुरुत्वीय विभव। तो इकाई द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, 1 kg के बॉडी को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, मान लो कि यहां पर इंफिनिटी है और यहां से इस पॉइंट पर, यहां पर किसी बॉडी को लाना है, तो किसको लाना है, एम मास के बॉडी को हम ला रहे हैं। तो ये एम मास के बॉडी को अगर बाई जब यहां से यहां तक लाए और यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा, वर्क को भी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, वर्क बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बात बोलो, दोनों बात बराबर है। तो तुम यहां, मैं बोल रहा हूं कि या तो तुम डब्ल्यू बोलो या तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो, तो यूनिट मास के बॉडी को अगर ले आओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बाई एम भी कह सकते हो या इसी को तुम पोटेंशियल एनर्जी बाई एम कह सकते हो, दोनों बात। तो फॉर्मूला बन गया ना तुम्हारा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाई मास। मैं फिर बोल रहा हूं कि यही जो तुम ई बाई एम लिखते हो,
सॉरी सॉरी डब्ल्यू बाई एम लिखते हो, तो ये डब्ल्यू को ही बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम जो कहना चाहोगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यू से। तो यू बाई एम, अब बोलो यूनिट क्या होगा। तो ए यू क्या है, यू हो गया जूल, और एम क्या हो गया, एम हो गया केजी, तो जूल पर केजी। और इसी को वोल्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा जूल का क्या होता है अर्ग, और केजी का क्या होता है ग्राम। इसका डायमेंशन अगर निकालना होगा तो बोलो जल्दी से डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा जूल का एमएल टू टी माइनस टू और केजी का मास। एम और एम कट गया मतलब क्या बच गया, एल टू टी माइनस टू। और ध्यान देना स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्जेक्टिव के लिए सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंस है। अब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट पार्टिकल, तो किसी पॉइंट पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो सीधे तुम ध्यान दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, तो इनर्जी बाय मास, अभी पढ़े इनर्जी बाय मास, इनर्जी बाय मास। और बोलो यहां पर ठीक से ध्यान देना क्या अभी क्या पढ़े कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इनर्जी बाय मास, और इनर्जी के बदले कितना पुट करोगे, तो माइनस जी एम एम बाय आर, और ये वाला मास तो ऑलरेडी पहले से है, तो उससे क्या होगा, तो मास मास कट जाएगा और फॉर्मूला बचेगा, फॉर्मूला बच जाएगा माइनस जी कैपिटल एम बाय आर, यही बचेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या, जैसे अर्थ है और अर्थ के चारों ओर इस कक्षा पर तुम किसी सैटेलाइट को मूव करा दिए हो, मान लो ये सैटेलाइट है मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कल्पना करो कि ऐसे मूव कर रहा है सैटेलाइट, ऐसे अपने अपने ऑर्बिट पर ऐसे चक्कर काट रहा, तो जब ये चक्कर काटेगा तो इसका कोई वेलोसिटी होगा ना, नहीं होगा। ये सैटेलाइट ऐसे अर्थ के चारों ऐसे जो ग्रह ऐसे चारों ओर चक्कर काट रहा है पृथ्वी के ऊपर में, तो उसका कोई वेग होगा ना, होगा ना। उसी वेलोसिटी को अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने वाले जो सैटेलाइट्स हैं उसका जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है रूट अंडर जीएम बाई आर, और एक होता है जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच। एक्चुअली कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हमें बोला कि वी नोट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर जीएम बाई आर। अब जरा इसी फॉर्मूला को और तोड़ दो और ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, तो जीएम का मतलब क्या होता है, जीएम का मतलब जी आर स्क्वायर होता है, और आर आर का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर का मतलब देखो पूरा यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल आर कहते हैं। तो बात को समझना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया बड़ा आर, और यहां से एच ऊंचाई पर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एच हो गया। तो पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस जिसको तुम आर कह रहे हो उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे आर प्लस एच। तो इस आर के बदले पुट कर दो आर प्लस एच, और फॉर्मूला हो गया जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच, ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अगर तुम अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो अभी तुम फॉर्मूला पढ़े रूट अंडर जी आर, रूट अंडर जी आर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़े, बात कर रहे थे वो थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था बेटा। हाँ तो हम लोग थे बेटा कि यहां पर थोड़ा सा हम लोग का ये हो गया था, तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट अंडर क्या होता है जी आर, और रूट अंडर जी का मतलब 9.8, ये पूरा का पूरा रूट ऐसे पूरा का पूरा रूट रख लेना, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 7.92 मीटर पर सेकेंड। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, भू स्थिर उपग्रह। देखो बेटा प्रीत अभी तुम जैसे हम लोग पढ़ते हो ना कि नहीं मौसम विभाग क्या हो सकता है, या तुम अभी मैच कहीं पर होता है, हम लोग घर में देखते हो टेलीकास्ट देखते हो ना, तो उसका जानते हो टेलीकास्ट कराने वाला कौन है, क्योंकि ये अर्थ के ऊपर में उपग्रह लगा हुआ है, ये सब उपग्रह मशीन लगा हुआ है,
हाँ, कैमरा लगा हुआ है, एक थर्ड आई ऊपर में लगा हुआ है और ये ही यहां से फोटोग्राफ खींचता है और खींच करके बताता है। बहुत ज्यादा यूज है इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। पृथ्वी से 36,000 मीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे बहुत सारे पावरफुल कैमरा लगे हुए हैं जो पूरी तरह से 2400 घंटा धरती पर नजर रखता है और धरती पर होने वाले हरकत को हमारे वैज्ञानिकों को बताता है और हमारे वैज्ञानिक उसके मुताबिक अध्ययन करके हम लोग को बताते हैं कि इस अर्थ पर क्या होने जा रहा है, कब चक्रवात आने वाला है, कब समुद्र में तूफान उठ रहा है, किधर बहुत तेज आंधी आने वाली है, मौसम विभाग ये सभी चीजें हम लोग को पहले बता देता है। तो वही बोले कि द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट रेस्पेक्ट टू अर्थ, एकदम आराम से धरती के रेस्पेक्ट टू अर्थ, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये वाला सैटेलाइट भी मूव करेगा। ये वाला सैटेलाइट अगर ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, धरती पर होने वाले सभी हरकत को वो आसानी से रिकॉर्ड करते जाएगा और हमारे साइंटिस्ट को उनके सुपर कंप्यूटर तक पहुंचाते रहेगा और हमारे साइंटिस्ट उसका अध्ययन करें। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस, कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द इक्वेटोरियल प्लेन मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब कि जिस स्पीड से धरती चले उसी स्पीड से अगर वो सैटेलाइट भी उसके चारों ओर चक्कर काटता है तो फिर वो क्या होगा, धरती को आसानी से देखेगा। जैसे मान लेते हैं कि तुम दोनों साथ अगर ऐसे ऐसे चल रहे हो तो दोनों देखते हो कैसे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक दूसरे को देखते हुए बात करते हो, लेकिन दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भाग जाओ चाहे जैसे तैसे चलने लगोगे तो फिर उतना अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, उतना अच्छा क्या आएगा तो मतलब जो एक क्या कहें रिजल्ट, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। अब मान लो अर्थ ऐसे ऐसे घूमे, रू जैसे तैसे घूमे, जैसे मान ले कि बताओ अर्थ किधर से किधर मूव करती है, तो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, तो ये वेस्ट से ईस्ट मूव कर जाएगा, वेस्ट से वेस्ट मूव कर जाता तो बात नहीं बनता, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, एक साथ ऐसे मूव करते रहता तो पूरा कैमरा को अर्थ देखने का मौका मिलता है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट कि जो मूव करता है वो वेस्ट से ईस्ट, और थर्ड पॉइंट है कि 36,000 किलोमीटर के हाइट पर ही इसको इस टाइप करने का जरूरत है। क्या क्या यूजेज इसके हैं, तो इसका सबसे पहला यूज तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में बहुत ज्यादा यूज होता है, टेलीकास्ट टीवी व्यू बताया ना इसी से होता है, वेदर सैटेलाइट पूरा इसी पर फोरकास्ट होता है, वो क्या होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर के अपर रीजन के बारे में बताता है और अर्थ का शेप हमेशा बताते रहता है कि पृथ्वी का आकार कैसा होगा, तो ऐसा भी तुमको ध्यान देने का जरूरत है। और हाइट ऑफ पार्किंग ऑर्बिट, तो हाइट ऑफ पार्किंग ऑर्बिट होता है 42,400 किलोमीटर। कैसे, मान ले कि जैसे ये अर्थ है तो अभी तुम बोले ना कि यहां पर सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है तो इसका हाइट कितना होना चाहिए, तभी हम लोग बोले कि सर 36,000 किलोमीटर, अरे 6400 किलोमीटर रेडियस भी तो होगा, तो यहां से मापेंगे तो ये बन जाएगा, या इस पर 6400 किलोमीटर और जोड़ दो, 6400 किलोमीटर और जोड़ दो तो हो गया टोटल 42,400 किलोमीटर। कहां से हो गया, तो सेंटर से हो गया, अर्थ के सेंटर से, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ पार्किंग ऑर्बिट। और अगर तुम मतलब इस हाइट को मेजर करने का दो जगह है कि अगर यहां से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे तो 36,000 और पूरा अगर सेंटर यहां से मेजर करेंगे तो उसमें 6400 और जोड़ना होगा 42,400। तो ध्यान देने का जरूरत है कि सरफेस से पूछ रहा है कि सेंटर से पूछ रहा है, सेंटर से पूछेगा तो 42,400 और अगर सेंट अर्थ सरफेस से पूछेगा तो 36,000 किलोमीटर। अब अगर ऊपर में जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दूरी क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना 2πr, समय कितना t, तो 2π हो गया 3.14, r हो गया 42,400 अभी पड़े, और टाइम एक चक्कर काटने में जो 24 घंटा तो उसको अगर तुम ब्रेक कर दोगे तो 8.64 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड, इसी को लगभग तुम ब्रेक कर दोगे तो 3.1 किलोमीटर पर आवर, एक आवर नहीं सेकेंड, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चे यहां पर आकर के लगभग लगभग पूरा का पूरा हम आपका रिवीजन करवा दिए हैं, पूरे का पूरे रिवीजन हम लोग का हो गया है बच्चा। अब आप खूब अच्छा से खूब अच्छे से बच्चा आप इसका तैयारी कीजिएगा सभी लोग खूब अच्छा से, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो किसी को अगर दिक्कत हो तो देखिए ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9110163511, इस नंबर पर आप हमसे किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं,
व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को बिल्कुल प्रॉब्लम मत रहने दीजिएगा, उसको एकदम हर हालत में सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब लाइफ में एक ही बार अच्छा से पढ़ने का मौका मिलता है। और हमारे यहाँ का टेस्ट तो अभी बिल्कुल नजदीक में होने वाला है, तो प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉब्लम बना के चलिएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। आज जो भी बात बताया उसे टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम उम्मीद करें बच्चे कि आप लोग को खूब अच्छा से समझ में आ गया है। अपना ओपिनियन दीजिए, अच्छे से क्लास को कीजिएगा, और अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो भी हमको पूरा आप लोग मैसेज करके ओपिनियन दीजिएगा, और अगर कोई आपका सजेशन होगा तब भी आप लोग हमको अच्छा से, और इस क्लास को बहुत बार देखिएगा, जितना बार आप देखिएगा उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। बहुत कंसेप्ट लेकर के पढ़ाई करने का जरूरत है बच्चा। तो चलिए बहुत अच्छे, खूब अच्छा से आप इसका तैयारी कीजिए, फिर हम आगे आपके लिए ऐसे ही क्लास नए लेसन का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत बाय बाय, बहुत बहुत बाय बाय बच्चे, आप सभी खूब खुश रहिए, खूब तैयारी कीजिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग।